नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान एक भारतीय नागरिक का निधन हो गया। यूक्रेन युद्ध में पहले भारतीय नागरिक के मारे जाने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि छात्र का नाम नवीन कुमार है और वह कर्नाटक के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंद्रम बागची ने ट्वीट कर यूक्रेन के खरकीव में आज सुबह हुए भीषण हमले में एक भारतीय स्टूडेंट के निधन की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है, हम गहरे दुख के साथ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आज सुबह खरकीव में हुई बमबारी में एक भारतीय स्टूडेंट की निधन हो गया। मंत्रालय भारतीय छात्र के परिवार के संपर्क में है। हम परिवार से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि विदेश मंत्रालय लगातार रूस और यूक्रेन के राजदूतों के साथ संपर्क में है और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए सुरक्षित रास्ता देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई छात्र अब भी खरकीव समेत दूसरे देशों में है। रूस और यूक्रेन में मौजूद राजदूत भी इसी तरह के प्रयास में जुटे हैं। टीवी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आज सुबह बचाव अभियान के दौरान ही छात्र रूस के हमले में चपेट में आ गया। आज ही सुबह यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को जल्द से जल्द राजधानी कीव छोड़ने को कहा। इसके बाद से लगने लगा था कि कीव में हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं और वहां भीषण हमले हो सकते हैं। रूस की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के वीडियो में सामने आए भारतीयों में भी टेंशन भरती दिख रही है और दोपहर बाद रूसी हमले में भारतीय छात्र के मारे जाने की दुखद खबर सामने आई है। मंगलवार को ही भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर रहा था कि छात्रों सहित सभी भारतीय ट्रेन या किसी अन्य माध्यम से आज तत्काल कीव छोड़ दें। दूतावास ने ट्वीट किया, कीव में भारतीयों के लिए परामर्श, छात्रों सहित सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे आज तत्काल कीव छोड़ दें। उपलब्ध ट्रेन या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम के जरिए यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यहां हवाई क्षेत्र बंद है। ऐसे में भारत सरकार वहां फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगी यूक्रेन की सीमा चौकियों के जरिए बाहर निकाल रही है। मोदी सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में मदद के लिए 4 पड़ोसी देश में भेजा है। उधर एयर इंडिया के साथ साथ इंडिगो स्पाइस जेट भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गए हैं। भारत सरकार यूक्रेन मिशन का पूरा खर्चा उठा रही है। बताया गया है कि अब भी यूक्रेन में करीब 6,000 भारतीय फंसे हो सकते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि खरकीव स्थित गवर्नर हाउस पर सुबह 7 बजे के करीब जब कई छात्र खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, उसी दौरान हमला हुआ और नवीन की जान चली गई। खरकीव में सुबह जिस गवर्नर हाउस को रूस की सेना ने उड़ाया, उसी के पास नवीन खड़े थे। नवीन खरकीव मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिकल के 4th ईयर के छात्र थे। एक फोन उनके पास था जिसके जरिए उनकी पहचान हुई। आज सुबह ही यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को जल्द से जल्द राजधानी कीव छोड़ने को कहा था। इसके बाद से ही लगने लगा था कि कीव में हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं, वहां भीषण हमले हो सकते हैं। रूस की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक की वीडियो सामने भी आया और ये दुखद खबर सामने आई। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।